सो हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग अजीत अक्सेंटेड चैनल और मैं हूँ अजीत। सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड नॉइजेस जो आ रहे हैं चिड़िया के बाद बाइक्स, इसके लिए मुझे माफ कर देना। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये माइक उतना फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो स्पेशली 12th के बच्चों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए। इंडिया में अब ज्यादातर लोग तो सीबीएसई ही देते हैं। मुझे स्टेट बोर्ड्स का उतना नॉलेज नहीं है, पेंटिंग है कि नहीं है, है तो क्या क्राइटेरिया है, क्या कितने, लेकिन सीबीएसई का मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा भी 12th है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशली टाइम निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आज तक कभी फेस कैम वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज बना रहा हूँ, कुछ स्पेशल बात होगी तभी। और मेरा वादा है आपसे, ये वीडियो पूरा देख लो। 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल पे, जो कि पिछला 60 मार्क्स था पिछले साल का बोला था, इस बार 70 मार्क्स हो गया है पेंटिंग का प्रैक्टिकल। तो 70 मार्क्स में आपको एटलीस्ट 65 अच्छा से किए तो 70 में 70 दिलाने की गारंटी मिली। आपको किसी से नहीं बनवाना है। 20 मार्क्स का पोर्टफोलियो है जो हमें बनाना है, बनवा लेंगे, चलो वो कोई दिक्कत नहीं, आप बनवा लें, लेकिन इसमें लॉस आपका है। प्रोफेशनल लोग पैसा लेंगे, जान पहचान के तो आप बनवाइएगा, फिर हो जाता है कि भाई मैंने तुम्हारा बनाया ये वो, तो अपना काम अपने करो, मैं करवा दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। ये वीडियो पूरा देख लो, आपसे मेरा प्रॉमिस है, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी के जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले एक लैंडस्केप आना चाहिए, मीन्स उसमें घर, पेड़, जंगली जानवर, माउंटेन्स, क्लाउड्स, ये सब। एक उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, और एक स्टील लाइफ लाइक घड़ा रखा हुआ है, उसके बगल में ग्लास रखा हुआ है, एक जग रखा हुआ है, कुछ फ्रूट्स है, फ्लावर पॉट है, उसकी प्रैक्टिस कर लो। और एक कंपोजिशन प्रैक्टिस, लाइक एक कुआं है वहां पर कुछ महिलाएं पानी भर रही है, उस टाइप का, मतलब मार्केट सीन हो गया, चाहे चर्च का सीन हो गया, कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं, वैसा प्रैक्टिस कर लो। ये तीन चीज आप प्रैक्टिस कर लो, आपको 70 में एटलीस्ट 65 मिल जाएंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ अपने वीडियो पे आई बटन पे कुछ अपने पुराने वीडियोस देने के, वो बहुत काम के वीडियोस है गाइस। मैंने पिछला वीडियो डाला था, अभी टाइम उसमें लगभग 70 व्यूज है, हाँ 70 व्यूज है। वो वाटर कलर ट्यूटोरियल था, आप चेक कर सकते, इजी वाटर कलर ट्यूटोरियल, मैं आई बटन पे डालने का कोशिश करता हूँ। तो उसमें क्या था, आप लोगों ने उसे पसंद नहीं किया मुझे पता है, क्योंकि वो उतना अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ गाइस, वो पूरे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वो वैसा वीडियो अभी तक नहीं डाला था, वो अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन वो वाटर कलर के जो रूल्स होते हैं पेंटिंग में, वो हर एक चीज को फॉलो कर रहा था उस वो पेंटिंग, मैंने उस पूरा रूल वाइज बनाया था, क्योंकि हम अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में, मैं भी बनाता हूँ जब वाटर कलर कोई कोई वीडियो डालता हूँ, तो मैं रूल को फॉलो नहीं करता हूँ, डार्क लाइट शेडोज ये सब नहीं देखता हूँ, ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, लेकिन वैसे में एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, हमें रूल फॉलो करना है, अट्रैक्टिव ना भी लगे रूल फॉलो करना। तो पिछला वीडियो प्लीज देख लो वाटर कलर का, वो पूरा रूल फॉलो थे, आप उसे कॉपी करो, पहले तो आप उसे ही कॉपी करो, उसे उसी की प्रैक्टिस करो, फिर आप अपना पेंटिंग बनाओ अपने क्रिएटिविटी से। तो मैं आपको दिखा दूं, मैं वो 20 मार्क्स का जो पोर्टफोलियो बनाना है उसके लिए मैंने ये कॉपी लिया है, तो ये बस कुछ नहीं, A4 से थोड़ा साइज बड़ा लग रहा है इस कॉपी का, और पेज आप देख सकते हो उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन काम चला हुआ है, चलो चलेगा, पेंटिंग का स्केचिंग करने लगा, लेकिन इसमें वाटर कलर मत करना, पेंसिल कलर और ये सब कर लेना शेडिंग। तो इसमें आपको करना क्या है, 20 मार्क्स का आपको जो प्रोजेक्ट है वो बनाना है। मैं आपको इस वीडियो में सब चीज बता रहा हूँ कि 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे और वो 50 मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले 20 मार्क्स वो बहुत ईजी है पाना, तो उसके लिए बाद में बात करेंगे, 50 मार्क्स के लिए पहले बात करते हैं। 50 मार्क्स ज्यादा होता है और वो आपको लाइव बनाना होगा, वो 20 मार्क्स आप किसी की हेल्प से भी बना सकते हो, लेकिन ये गलत बात है, मैं बोल रहा हूँ ये गलत है, खुद से बनाना है, लेकिन आप किसी की हेल्प से बना सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। तो 50 मार्क्स के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी तीन टॉपिक्स बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, एक कंपोजिशन, एक लैंडस्केप और स्टील लाइफ। ये तीन आपको तो प्रैक्टिस करके ही जाना है, अभी तक का रिकॉर्ड चेक करें तो इसी तीनों टॉपिक में से एक्सटर्नल आगे पीछे करके बना बना के अपने क्रिएटिविटी को जोड़ के आपको बनाने देते हैं कि आपको ये बनाना है एग्जाम में, 25 मार्क्स का ये, 25 मार्क्स का वो। अब मे भी किसी स्कूल में दे दे कि दो नहीं तीन पेंटिंग बनाओ 50 मार्क्स के लिए, तो लेकिन यही तीन टॉपिक में सब चीज कवर हो जाता है, हर एक चीज, क्योंकि मॉडर्न आर्ट वो अलग चीज है, वो आपको नहीं मिलेगा, फाइन आर्ट्स और मॉडर्न आर्ट अलग अलग चीज है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना, और कमेंट में ये बता देना कि आपको अच्छा क्यों लगा या बुरा क्यों लगा। और अगर आपको लाइक आप बायो के स्टूडेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अगर बायो का कोई डायग्राम चाहिए तो मैं वो भी एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आपको कहीं पेंटिंग से रिलेटेड, स्केचिंग से रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ट्वेल्थ में। शायद स्टेट बोर्ड में क्लास टेंथ में भी पेंटिंग का एग्जाम होता है, जितना जो मुझे स्टेट बोर्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है गाइस, सॉरी। तो अगर होता है तो आप स्टेट बोर्ड्स वाले को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर आप ट्वेल्थ में नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स को जो आपके ट्वेल्थ में होंगे, भैया 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 दीदी खुद कोई भी ट्वेल्थ में होंगे, भाई चाचा नाती कोई भी होगा, तो आप उसे वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का है गाइस। गाइस मैं इस वीडियो में आपको ट्यूटोरियल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है और शायद और भी लंबा होने वाला है। मैं ही यहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ से आपको ट्यूटोरियल लग, और उतना लंबा कोई नहीं देखने का मन करेगा। तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करता हूँ 2-3 दिन के भीतर ही आपको ट्यूटोरियल, जैसे कॉपी में बनाता हूँ उसका रिकॉर्डिंग आपको दे दूँ, 10-12 आपको एग्जाम्पल्स दे दूँ कैसा आपको बनाना है। आप बस उसे फॉलो करो और आपको आपके नंबर्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है गाइस, बहुत इजी है, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा ट्वेल्थ का। फाइन आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कारण आपका ट्वेल्थ का परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो टॉपिक नंबर 1 है, आपको करना लैंडस्केप पेंटिंग। लैंडस्केप में लाइक आपको क्या देखना है, वो जनरली कलर में आता है, या वाटर कलर आएगा, पेंसिल कलर आएगा, क्रेयॉन कुछ एक में आपको बनाना होगा। पेंसिल शेडिंग नहीं आता है, पेंसिल शेडिंग में आएगा आपको स्टिल लाइफ आएगा। तो लैंडस्केप पेंटिंग में आपको देखना है पर्सपेक्टिव, लाइक एक लड़का आपके सामने खड़ा है आपके हाइट का, तो आपको आपके हाइट का दिख रहा है, वो 100 मीटर दूर जाके खड़ा हो जाए तो आपको लगेगा छोटा दिख रहा है, 1 किलोमीटर दूर जाके खड़ा हो जाए तो आपको एक पॉइंट सही दिख रहा है, इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव। कितनी दूरी पे कितना हाइट है, किस एंगल पे क्या है, लाइक आपने 6 लिखा उसे उल्टा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, अलग पर्सपेक्टिव से अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों चीज सही है। तो जैसे आपने घर बनाया तो आपको ये देखना है कि आप उसके सामने जो आदमी बना रहे हैं घर के बगल में है लाइक, तो आप घर का जो दरवाजा बना है उतना ही, उससे छोटा थोड़ा या फिर उतना ही बड़ा आदमी होना चाहिए। उस ऐसा नहीं कि घर के बगल में हम आदमी बना रहे हैं और घर से बड़ा आदमी है, तो वो पर्सपेक्टिव गलत हो जाएगा, वैसे में ही नंबर्स कटते हैं। और मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, मैं 2-3 दिन में ट्राई करता हूँ, नहीं तो 1 वीक के भीतर तो पक्का है कि एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको पूरा ट्यूटोरियल दे दूंगा क्या पर्सपेक्टिव आपको देना है, कितने दूरी पे क्या देना है, लाइक वाटर कलर कैसे करना है, पेंसिल कलर कैसे करना है, स्केचिंग कैसे करना है, सब बता दूंगा। तो टॉपिक नंबर 2 स्टिल है, इस पे आपको लैंडस्केप से ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये लैंडस्केप से थोड़ा ज्यादा टफ पड़ता है। इसमें आपको करना क्या, इसमें भी पर्सपेक्टिव देखना है, उसके बाद लाइट एंड शेडो सबसे इम्पोर्टेंट गाइस। स्टिल लाइफ में आपको लाइक एक तरफ से आप जैसे आप देख पा रहे हैं इधर से मेरे लाइट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, सामने से भी आ रहा है, तो शेडोज नहीं बन रहे हैं बैकग्राउंड में। लेकिन स्टिल लाइफ में लाइक इधर से लाइट आ रहा है तो मेरे फेस पे इधर से लाइट आ रहा है तो इधर शेडो बनेगा, इधर डार्क होगा, इधर से लाइट आ रहा है तो ये नोज का इधर शेडो बनेगा तो इधर डार्क हो जाएगा। ऐसे ही आपको स्टिल लाइफ में जैसे एक मटका है बगल में ग्लास रखा हुआ है तो लाइट इधर से आ रहा है तो ग्लास का जो शेडो होगा वो पड़ेगा मटका पे, मटका पे फिर इधर लाइट पड़ेगा और इस साइड से डार्क रहेगा, इधर से लाइट आ रहा है, इधर लाइट, इधर डार्क, फिर मटका का इधर लाइट, इधर डार्क। तो तीसरा टॉपिक है कंपोजिशन, लाइक एक कुआं है वहां से औरत पानी निकालनी है, ये तीनों में सबसे टफ पड़ता है। टफ तो भाई तीनों में कोई नहीं, इजी भी कोई नहीं है, लेकिन लैंडस्केप जो है वो तीनों के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है कि जल्दी बन जाता है, और कंपोजिशन में टाइम लगता है। कंपोजिशन में क्या है, आपको पर्सपेक्टिव तो देखना ही है, पर्सपेक्टिव एक ऐसा चीज है जो आपको तीनों टॉपिक में लेके चलना है क्योंकि पर्सपेक्टिव के बिना नंबर नहीं मिलने वाला है सीबीएसई में, क्योंकि आप फाइन आर्ट्स दे रहे हैं, मॉडर्न पेंटिंग नहीं बना रहे हैं, मॉडर्न पेंटिंग पर्सपेक्टिव नहीं देखा जाता, लेकिन फाइन आर्ट्स में पर्सपेक्टिव देखना है। तो गाइस ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, इसे जल्दी से खत्म करना होगा, मेरा प्रॉमिस रहा आपसे बहुत जल्द वीडियो आया, पूरा ट्यूटोरियल डालूंगा क्या आपको बनाना है, पर्सपेक्टिव कैसा रखना है, प्रैक्टिकली बता दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, क्योंकि आप अभी वीडियो देख रहे हैं ना तो कभी भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आ सकता है।
प्रैक्टिकली मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा गारंटी है वही रहेगा, बाकी जो बनाना है बाद में पोस्टपोन हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर वीडियो देख लो, बहुत क्लियरली बता चुका हूँ। मैं गाइस डायरेक्टली ये बता नहीं सकता हूँ कि क्या आ सकता है क्या नहीं, क्या होता है सीबीएसई में, क्योंकि अगर मैं बताया तो ये गाइडलाइन स्ट्राइक्स के खिलाफ होगा, मुझे स्ट्राइक आ जाएंगे, यूट्यूब स्ट्राइक भेज देगा, तो फिर वो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने इनडायरेक्टली आपको सब चीज बता दिया है, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये मेरा वादा है। आप ये वीडियो को समझ चुके हो तो आप खुद से प्रैक्टिस करो, अगर अभी तक नहीं समझे हो तो एक बार फिर वीडियो को देख लो, और प्रैक्टिकल वाला वीडियो तो आ ही रहा है, अगर नहीं समझे हो तो उसमें पूरा समझ जाओगे। अगर समझ चुके हो तो आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, दो तीन दिन जब तक वीडियो नहीं आ रहा है, और हो सकता है कि आप चार पांच दिन एक महीने बाद ये वीडियो बनने के देख रहे हो, तो आप चेक कर लो मेरे बार चैनल में डाल चुका हूँ अभी तक। हिडन चीज मैंने बताई है आपको इस वीडियो में, जो आपको पूरे YouTube पे कोई नहीं बताएगा, मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं बताएगा इतना क्लियरली, पूरा क्लियरली मैंने भी नहीं बोला, क्योंकि ये गाइडलाइन स्ट्राइक्स आ सकते हैं। इनडायरेक्टली समझा रहा हूँ आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी इस वीडियो में। अगर आपने कहीं मिस कर दिया है, कोई पार्ट स्किप कर दिया है, तो एक बार फिर वीडियो को देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी गाइस कोई भी मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफ कर देना, ये बैकग्राउंड नॉइज के लिए तो मुझे रियली सॉरी गाइस, इसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, वैसा स्टूडियो है नहीं, तो जैसे बन रहा है वीडियो, अभी मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैंने जल्दी से बना के मुझे जहां से भी जो भी न्यूज मिला मैंने दे दिया है। सबसे पहला न्यूज ये था कि इस बार 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और ये मैंने लगभग 80% श्योर हूँ कि इस बार प्रैक्टिकल का नंबर बढ़ा दिया, जो कि ईजी है, पहले से ईजी हो गया। तो गाइज वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस कमेंट में बता देना आपको वीडियो अच्छा क्यों लगा या अच्छा क्यों नहीं लगा। और मैंने बोल दिया बायो वाले कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई डायग्राम का वीडियो चाहिए मैं बना दे रहा हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रहा है गाइज, वेट करना, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखो अगर अभी तक नहीं दबाया है।